नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पंजाब के खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल ने जलियांवाला बाग पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही 26 जनवरी की झांकी में पंजाब को शामिल नहीं होने पर केंद्र सरकार का विरोध जताया। बता दें कि धारीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार 26 जनवरी की झांकी परेड में पंजाब को शामिल नहीं करके पंजाब का बता दें कि साथ ही किसी भी झांकी पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तस्वीर नहीं लगाने के आरोप लगाए। वहीं आपको बता दें कि केंद्र पिछले कई वर्षों से लगातार 26 जनवरी को पंजाब की झांकी का आंकलन कर रहा है और इस साल पंजाब को शामिल नहीं किए जाने पर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल ने केंद्र को घेरा है। इस वेले जलियांवाला बाग दे शहीदां दी उस जगह दे खड़े हां। ये भारत देश दी आजादी दे महान नायकां दी इह जगह है जिन्हां ने देश दी आजादी दे विच बहुत वड्डा रोल जिहड़ा अदा कीता। मैं इस करके इत्थे आ जाया पिछले कई दिनों तो जेड़ा भारत सरकार ने बीजेपी ने साडे पंजाब दे महान नायकां दे नाल साडे शहीद आजम भगत सिंह जी दे नाल जालंधर के एमएलए और एमपी सुनील रिंकू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सरकारी कार्यक्रम में गए थे। वहीं उन्होंने लाइव वीडियो बनाया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए देखे। उन्होंने कहा कि मुझे नीचा दिखाने के लिए कार्यक्रम में तो बुला लिया गया पर बैठने के लिए सीट नहीं दी गई, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दें कि जालंधर में एमएलए सुशील रिंकू का गुस्सा फूटा और वीडियो वायरल कर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में मुझे बुला तो लिया लेकिन सीट नहीं दी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब के जिला मोगा के कस्बा निहाल सिंह वाला के गांव पत्तो हीरा में उस समय सनसनी फैल गई जब जिले के मिनिया गांव में 20 वर्षीय नवदीप सिंह की शक की हालातों में मौत हो गई और मृतक के परिजनों के मुताबिक मृतक नवदीप नशे का आदी था, जिसके चलते 10 दिन पहले ही उसे पत्तो हीरा सिंह गांव के शिरोमणि पंथ अकाली तरना दल द्वारा संचालित गुरु रामदास विद्यालय में भर्ती करवाया गया था। लेकिन परिजनों के मुताबिक बीती रात उसे इलाके में गांजा के लिए भेज दिया और बता दें कि इसके बाद विद्यालय के ही सुखपाल सिंह ने अपने 4-5 अज्ञात साथियों के साथ मृतक के स्थानीय बाजार में तेज धार हथियार से जमकर उस पर पहले तो पिटाई की और फिर तेज धार हथियार से उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद नवदीप सिंह को अस्पताल ले जाया गया और उसकी इस दौरान मौत हो गई। वहीं परिवार वालों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। नए साल की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ देश का हर वर्ग अपने तरीके से नए साल का जश्न मना रहा है। वहीं अमृतसर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु नववर्ष मनाने के लिए सचखंड श्री दरबार साहिब पहुंचे। श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होकर लोगों ने नया साल
सभी के लिए खुशियों भरा हो, ये उनकी कामना की उन्होंने। और साथ ही इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सचखंड श्री दरबार साहिब माथा टेकने पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि वे बहुत ही भाग्यशाली हैं जो सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेककर और पवित्र सरोवर में स्नान करके नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। दास का नाम भाई सुखमीत सिंह दास अमृतसर तो बेनती करे जी धन धन रामदास गुरु जी श्रेहत ने सवारिया पूरी हुई करा माता आप सिर जनहारे तारे ऐसे महान सतगुरां दा पावन पित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहब के दास दर्शन बारे करने वास्ते आया अते अरदास करी सच्चे पातशाह जिहड़ा पुराना जिहड़ा साल सी उहदा भी भला होवे पर जिहड़ा आउण वाला नवां साल उहदे वास्ते चढ़दी कला लई अरदास कीती सिख पंथ दी जिथे अरदास कीती सिख कौम वास्ते अरदास कीती कि आपणे जिहड़े बंदी सिंह रिहाई जिहड़े हरिया हो जाण अजे नशे तों मुक्त हो जाए सारा पंजाब ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਨਾ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਮਨਾ ਜੁੜਕਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਂਡਾ ਕੱਟਦੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਂਡਾ ਕੱਟਦੀ ਜਾਵੇ ਵਾਂਗ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰ ਝੋਕੜਾ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਪੋਸਟ ਕਾਲੋਨੀ पुड्डा कपूरथला में गुंडागर्दी की वारदात सामने आई है। कुछ लोगों ने तेजधार हथियारों के साथ अपने पड़ोसी के घर में दाखिल होकर एक परिवार के मां बेटे को गंभीर रूप से घायल कर दिया और साथ ही घर में तोड़फोड़ भी की गई। बता दें कि यह पूरा मामला अर्बन स्टेट पॉश कॉलोनी का है जहां सौरव मनहास नाम के व्यक्ति बाइक से कहीं जा रहे थे। रास्ते में अचानक सामने से आए बच्चे को बचाने के लिए प्रयास में उनकी बाइक सामने खड़ी मोटरसाइकिल से जा टकराई और बता दें कि बाइक पर स्केच आने की वजह से बता दें कि हमलावरों ने अपने साथियों के साथ देर रात पीड़ित के घर का गेट फांदकर घर में तोड़फोड़ कर दी और गुंडागर्दी कर पीड़ित के घर में मां बेटे और बेटी के साथ मारपीट की, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है और बता दें कि फिलहाल इलाज जारी है। ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਜੋਬ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਈ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੋਕ ਜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈਂਡਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਛਾਤੀ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਕਤ ਤੋਂ ਚਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਂਗੇ। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने
फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में कॉमेडियन कपिल शर्मा को पराठे खिलाने की उनकी तस्वीरें वायरल हो रही थी। आपको बता दें कि कपिल खासतौर पर जालंधर के मॉडल टाउन में वीर दवेंद्र सिंह के पराठे खाने के लिए पहुंचे थे। हालांकि जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने वीर दवेंद्र सिंह के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के आदेशों की उल्लंघना करने का केस दर्ज किया है और आपको बता दें कि गिरफ्तारी भी हुई है और उसने जमानत पर छोड़ दिया गया। बता दें कि इस पर पुलिस का कहना है कि उन्हें इलाके से शिकायत मिली थी कि जिसके बाद वार्निंग भी दी गई थी, लेकिन इन्होंने कोर्ट को नहीं हटाया और जिसके बाद कार्रवाई हुई और जालंधर के मॉडल टाउन में लिंक रोड पर पराठे बनाने वाले वीर दवेंद्र सिंह के खिलाफ थाना 6 की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और केस में आईपीसी की धारा 188 लगाई गई है और केस में कहा गया कि वीर दवेंद्र द्वारा रात में अपना स्टॉल लगाकर पराठे बेचकर डिप्टी कमिश्नर के आदेशों का उल्लंघन किया गया। ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਰੌਂਠੀਆਂ ਦੀ ਕਾਟ ਲਾਉਂਦਾ ਫੁੱਲ ਲਾਈਟ ਦੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਮੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਵਿਦ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਏ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਾਰਾਂ ਸਰ ਮੈਡਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 12:15 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 12:15 ਸਾਢੇ 12 ਵਜੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। पूर्व अकाली मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया के ड्रग्स मामले में एसआईटी के सामने पेशी हुई। 31 दिसंबर को एसआईटी के इंचार्ज एडीजीपी मुखविंदर सिंह छीना रिटायर्ड होंगे। बता दें कि उससे पहले भी मजीठिया के बयान दर्ज किए जाते हैं और बता दें कि इससे पहले मजीठिया को 27 दिसंबर को पेश होना था, तब मजीठिया ने दस्तावेज इकट्ठे नहीं होने का तर्क दिया था। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में एसआईटी और सीट इंचार्ज काम कर रहे हैं। मजीठिया से तकरीबन 4.5 घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। छब्बीस जनवरी को लाल किले में पूरे देश के सूबा की झांकियां निकाली जाती हैं, लेकिन इस बार पंजाब सूबा की झांकी नहीं निकाली जाएगी। बता दें कि पंजाब सरकार पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। पता नहीं सीएम मान को इसको मुद्दा बनाकर लोगों के सामने क्या साबित करना चाहते हैं और ये सब कुछ लोगों को कहकर अलग कमेटी बनाना चाहते हैं। 26 जनवरी वाले दिन निकाली जाने वाली झांकियों की सिलेक्शन कमेटी द्वारा की जाता है, जो कि अंतिम फैसला होता है और कमेटी ही लेती है। और बता दें कि इस पर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्य भी सारे राज्य हैं जिनकी झांकी एक बार भी सामने नहीं आई। कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिया था। हालांकि मैं ये कहूंगा कि उनका स्टेटमेंट उनकी अपनी जानकारी पर निर्भर हो सकता है, मैं उसमें उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए उसको चैलेंज करने की चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तकनीकी रूप से जितने टैब्ल्यू जितनी झांकियां वहां पर आती हैं, झांकियों के सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। एक पिछले 8 साल या मैं कहूं कि मोदी जी की सरकार बनने के 10 साल
पंजाब को 7 बार वहां पर रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिली। मैं जिस प्रदेश से आता हूं उसको केवल 3 बार अपॉर्चुनिटी मिली। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आए। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भटिंडा के हल्का मोड़ मंडी में बहुजन समाज पार्टी द्वारा रैली का आयोजन हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण पर अभद्र टिप्पणी की गई। वहीं जिससे क्षेत्र का माहौल बिगड़ता दिखाई देख भारी पुलिस बल तैनात किया गया और अभियुक्त को हिरासत में लेकर सबके सामने माफी मंगवाई गई। और इस दौरान पुलिस प्रशासन सभी से अमन चैन बनाए रखने की अपील करते दिखे और बता दें कि साथ ही उचित कार्रवाई करने की भी बात कही गई। ये मामला यह सी भी अज मौड़ मंडी के बहुजन समाज पार्टी वालों एक ब्रिटिंग स्टेज लाई गई सी। बहुजन समाज पार्टी मैं पहले बोलता, यह स्टेजा रोज ही इतने मंडी के लगदिया, क्योंकि इलैक्शन का माहौल आने वाले इलैक्शन लोग सभा इलैक्शन लैके बख पार्टियां अपनी स्टेजा लादियाँ। सानू कोई इतराज नहीं, कोई पार्टी स्टेज ला सकती है, मंडी सब की सांझी है। इतने बख पार्टियां पोलीटल व्यक्तियों के खिलाफ बोलन, पोलीटल रैलियां कर, जो मर्जी कर, सू किसी का कोई इतराज नहीं। पर इस रैली के डॉक्टर नौरस वालों भगवान श्री कृष्ण जी के खिलाफ मंदे शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस मंडी निवासी भारी रोस पाया गया। अमृतसर में एक पुलिस मुलाजिम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और अब मृतक शमशेर सिंह जो कि जीआरपी में नौकरी करता था, वहीं मृतक के मां ने शमशेर सिंह की बीवी और उसके भाई और पिता का हाथ होना बताया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित महिला ने बताया कि उसके बेटे शमशेर सिंह को उसके पिता के डेथ के बाद पुलिस विभाग में नौकरी मिली थी। शमशेर सिंह की बीवी ताजमीत कौर अक्सर उससे लड़ती रहती थी और शमशेर सिंह को कहती थी कि उसके पिता पुलिस इंस्पेक्टर हैं और वो उसको सस्पेंड करवा देंगे। फिलहाल पुलिस अधिकारी ने बताया कि ताजमीत के खिलाफ मामला दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मिति 20-12-23 रात के समय करीब 12:05-10 मैं बार इलाके में सीगा तो मैंने सूचना प्राप्त हुई भी इस तरह शमशेर सिंह सानू सरदार जोधा सिंह जे शमशेर सिंह से जी आर पी च मुलाजम से तो उन्होंने डैथ हो गई है। इस तो बाद फिर मैं वाकई वाली जगह साढ़े गुरबाणी के हैरीटेज सिटी पिंड उत्थे गया सी जाके मौका मुलाजा किया। उस तो उपरंत नाल दी नाल ही श्रीमती महेंद्र कौर जी जड़े उन्होंने मदर से रोपड़ बलाचौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए भयानक हादसे में दो बाइक सवार प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। वहीं सामने से तेजी में आ रही एसयूवी कार ने टक्कर मार दी जिसमें दोनों की मौत हो गई। ये हादसा सड़क पार करने के दौरान हुआ। एसएचओ पंकज कुमार और डीएसपी बलाचौर श्याम सुंदर ने बताया कि ये दोनों प्रवासी मजदूर लकड़ी काटने का काम करते थे और बता दें कि जिनमें से एक का नाम मनीष कुमार और दूसरे का नाम सरोज कुमार के रूप में इन दोनों की पहचान हुई जो कि यूपी के रहने वाले थे। वहीं काम से वापस लौटने के दौरान घने कोहरे के कारण ये हादसा हुआ। हादसे में शामिल मोटरसाइकिल और कार को कब्जे में लेकर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਉਰੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਕਾਰ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। पंजाब सरकार की तरफ से अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है जिसको लेकर माइनिंग विभाग की तरफ से संयुक्त कार्रवाई करते हुए भोआ विधानसभा के पूर्व विधायक जोगिंदर पाल को गिरफ्तार कर लिया गया था और जोगिंदर पाल को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और इस संबंध में उनके वकील नरेंद्र कुमार ने बताया कि तारागढ़ थाने में उनके खिलाफ अवैध माइनिंग व पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने के अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और उन्हें माननीय अदालत में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिवें कि तुहानू सारयां नू पता ही है कि पुलिस ने तारागढ़ पुलिस ने एक FIR 88 नंबर जिहड़ी है साडे क्लाइंट श्री जोगिंदर पाल जिहड़े एक्स MLA ने उन्होंने खिलाफ दर्ज की 21 जिहड़ा पार्ट 1 जिहड़ा माइनिंग एक्ट का 353-186 IPC के तहत उहदे च अज उन्होंने पेश किया ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब के जिन्होंने अज उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के भेज दिता। बाकी फरदर ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਭ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੇਂ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਬਨੇ ਰਹੀਏ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ। ਨਮਸਕਾਰ।